साथियों, मैं डॉक्टर कमल शर्मा, अधिष्ठाता उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे से रूबरू कराना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन इसके क्या गुण हैं उनके बारे में शायद ही आपको ज़्यादा जानकारी हो। पुराने लोगों को तो मैं समझता हूँ कि उनको इसके बारे में अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन जो आज की पीढ़ी है उनको इस तरह के पौधों के बारे में ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चों को, आज की पीढ़ी को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान मैं समझता हूँ नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ये एक ऐसा अनूठा पौधा है जो प्रकृति का मानवता के लिए एक बहुत बहुमूल्य उपहार है। इस पौधे का नाम है हरड़। हरड़ के बारे में आपने सुना होगा। हरड़ हिंदुस्तान में सभी जगह पाई जाती है, लेकिन इसकी 7 किस्में, भाप प्रकाश निघंटू की अगर हम बात करें, आयुर्वेद की बात करें, 7 किस्में इसकी हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, जैसे अभय, जीवंती, चेतकी, विजय, पुताना इत्यादि, और इनके अपने अपने गुण हैं। हरड़ को माता का दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्रों में। ऐसा समझा जाता है कि हरड़ में वो सभी प्रकार के गुण हैं जो हरेक व्याधि को हर लेने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए ऐसा समझा जाता है कि सिर से लेकर पैर तक मनुष्य में जो भी विकृतियां हैं या जो भी बीमारियां हैं उनको दूर करने की क्षमता हरड़ में है। अगर हम बालों की बात करें तो बालों को काला करने में ये बहुत सहायक है। उसके बाद आँखों की रोशनी को बढ़ाती है, गले को ठीक रखती है, हमारा जो श्वसन क्रिया है उसमें इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी को घर में खांसी होती है तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं या दादी माँ हैं, वो हमें हरड़ को थोड़ा सा गर्म करके नमक के साथ खिलाती हैं जिससे खांसी दूर हो जाती है। इसके बाद पेट के लिए तो ये रामबाण समझी जाती हैं। कहते हैं कि अगर पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो जो भी बीमारी उत्पन्न होती है वो पेट से शुरू होती है। अगर आपका पेट ठीक है तो सब ठीक है, और हरड़ पेट के लिए रामबाण समझी जाती है, जैसे मैंने कहा। तो अगर पेट ठीक है तो सब कुछ, मनुष्य का शरीर स्वस्थ रह सकता है। इसलिए हरड़ का बहुत बड़ा महत्व है। आपने त्रिफला के बारे में सुना होगा। हरड़, भेड़ा, आंवला, ये 3 फल होते हैं जिनको त्रिफला कहा जाता है, और इनसे पाउडर बनाया जाता है जो पेट के लिए बहुत अच्छी औषधि, आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है। चाहे डाइजेशन की किसी को प्रॉब्लम हो या फिर डाइसेंट्री की प्रॉब्लम हो, पेट के हर रोग को ठीक करने की क्षमता हरड़ में है। इसीलिए इसको शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है। ये हमारे आयुर्वेद पद्धति में ही इसकी महत्व नहीं है, लेकिन जैसे तिब्बतन चिकित्सा पद्धति है उसमें तो ऐसा कहा जाता है कि हर दवाई जो भी उस पद्धति में बनाई जाती है उसमें हरड़ जरूर डाली जाती है। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि हरड़ पेट को ठीक रखती है, तो अगर पेट, दवाई जो भी आप ले रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए, उसके साथ साथ अगर पेट भी ठीक होगा तो डाइजेशन भी अच्छी होगी, और जो भी आदमी भोजन लेगा वो अच्छी तरह से उसका वो पाचन क्रिया में ये सहायता करती है। तो अगर अच्छी तरह से आदमी भोजन जो खाता है उसको पचा ले और वो हमारे सिस्टम में चला जाए तो आदमी हरिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रह सकता है। किसान साथियों, हम बात कर रहे थे हरड़ की नर्सरी उगाने की विधि। तो हरड़ की नर्सरी उगाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू होता है सीड कलेक्शन। तो बीज जो है वो किस स्टेज पे इकट्ठा करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीज एकत्रित करने से पहले ये ध्यान रहे कि जिन पौधों से बीज लेना है वो अधेड़ आयु के हों और स्वस्थ पौधे हों। स्वस्थ पौधों से ही हमें स्वस्थ बीज मिलता है। अब आप के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात ध्यान में रखने योग्य है वो ये है कि बीज उसी टाइम एकत्रित करना चाहिए जब वो पूर्णतः पक गया हो। और हरड़ में जो बीज पकता है वो दिसंबर महीने में पूर्ण रूप से पक जाता है। तो दिसंबर महीने से पहले का बीज
हमें नहीं लेना चाहिए। अब बीज एकत्रित करने के बाद दिसंबर महीने में उसको सुखाया जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास विभिन्न प्रकार की हरड़ की प्रजातियाँ यहाँ पे, लेकिन बीज से उगाने के लिए पौधा हमें छोटी किस्म के फल ही प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि ये 1 किलो में ज़्यादा फल आते हैं और हम 1 किलो बीज से ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। अब जो बीज एकत्रित फल एकत्रित किए हैं उनको एक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के लिए इनको धूप में रखा जाता है और जब तक ये पूर्ण रूप से सूख ना जाए, जैसे कि आप इन फलों में देख रहे हैं ये अब पूर्ण रूप से सूख चुके हैं, इनको इकट्ठा करके रख लिया जाता है। फिर मार्च के महीने में जब बीज की बिजाई का समय होता है, उससे कुछ दिन पहले हमें ये जो बीज है इसको तोड़ कर इसका छिलका अलग कर दिया जाता है, और अलग करके ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गुठली, जो अंदर की गुठली है वो इस तरह से अलग कर दी जाती है, और इस गुठली को भी कुछ दिनों के लिए फिर धूप में सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद इसको इस तरह से भी डायरेक्ट पॉलीथीन की थैलियों में बीजा जा सकता है, या फिर और दूसरे तरीके हैं। अगर आप इस तरह से इस गुठली को थैलियों में बीजते हैं तो इसमें जर्मिनेशन बहुत कम आती है, इसलिए इस बीज को प्री ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्री ट्रीट करने के लिए या तो इस गुठली को गोबर के ढेर में रखा जाता है, जो कच्चा गोबर होता है, करीब 30 दिन के लिए, लेकिन उससे भी जर्मिनेशन जो है वो ज़्यादा नहीं आती, इसलिए हमने एक नई विधि तैयार की है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये जो अंदर की गिरी है, हम इसको गुठली से तोड़कर निकाल लेते हैं, लेकिन गुठली को तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो अंदर की गिरी है इसको कोई नुकसान ना हो। तो तोड़ते समय इसको हल्के से हथौड़े के साथ तोड़ा जाता है और इसकी गिरी को, पूर्ण गिरी को, इसको बिना नुकसान किए इसको अंदर से निकाला जाता है, और फिर इस गिरी को हम या तो डायरेक्ट पॉलीथीन की थैलियों में बीज सकते हैं, या फिर अगर जिनके पास जर्मिनेटर हो उसमें भी हम इनको पहले अंकुरित करवाकर फिर पॉलीथीन की थैलियों में डालते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि उस टाइम बिजाई करनी है जब टेम्परेचर 28 और 30 डिग्री के आसपास हो जाए। अगर उस समय इस गिरी की बिजाई करते हैं तो इसमें 100% जर्मिनेशन आती है और हमें नुकसान जो है, जैसे मैंने बताया कि अगर हम गुठली से करते हैं इसको, तो अगर ऐसे ही गुठली को बीज देते हैं तो करीब 5% जर्मिनेशन इसमें आती है, लेकिन अगर इसको तोड़ के लगाएंगे और गिरी को निकाल कर इसको प्री ट्रीट करके लगाते हैं तो जर्मिनेशन 100% होती है। एक ध्यान रखना चाहिए इसमें कि जब आप इस गिरी को अंकुरित होने के बाद थैलियों में लगाते हैं तो उस टाइम बेबिस्टिन और डायथिन से इसको उपचारित करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो इसमें फफूंद नाशक और दूसरे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो इसको अंकुरित होने से रोकते हैं या अंकुरण के बाद इसको नुकसान पहुंचाते हैं।